हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शोभा नामदेव। जीके के ये क्वेश्चन व्यापम के ऑनलाइन एग्जाम से लिए गए हैं, जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये इसका पार्ट टू है, इसका पार्ट वन भी आप जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफ़ेद बाघ कब देखा गया था? इसका सही आंसर है 1915 में। क्वेश्चन नंबर टू, सक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर थ्री, 1972 में भोपाल जिला कौन से जिले से बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है सीहोर। क्वेश्चन नंबर फोर, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर फाइव, नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत में सर्वप्रथम बारूद का उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर है बाबर। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? इसका सही आंसर है बेगा। क्वेश्चन नंबर एट, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है? तो इसका सही आंसर है इंदौर से। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित महीनों में से कौन से महीने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? इसका सही आंसर है फरवरी और मार्च में। क्वेश्चन नंबर टेन, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर है 1981 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नाम पुस्तक लिखी थी, वह हुमायूं की कौन थी? इसका सही आंसर है बहन थी। क्वेश्चन नंबर 12, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है रीवा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित नदियों में से शिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ है? तो इसका सही आंसर है गुना का। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका सही आंसर है MSL से 300 मीटर ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, नागार्जुन सागर बहुद्देशी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 17, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, वह खालिस्तान राष्ट्रीय पार्क है? तो सही इसका सही आंसर है पैच। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2016 में खालिस्तान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है के विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 20, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर है भानु अथैया। क्वेश्चन नंबर 21, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, एम रघुवंशम जैसे नाटक लिखे थे? तो इसका सही आंसर है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय बालिका दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर है बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है? इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी का।
क्वेश्चन नंबर 27, 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर है विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 28, विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर है APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 29, किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश में जीवाश्म पार्क खालिस्तान में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कटनी में स्थित है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।